उसके ऊपर दोबारा से चुनाव खाने है ना, मैं आपको खाया है ना। भाई फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग्स में, चितन व्लॉग्स के अंदर। हाँ जी, बाकी बस यही है, अभी हम खा रहे हैं कुलचे छोले। कुलचे छोले मैं बाहर गया था कुछ टैक्स वगैरह लेने, टैक्स में बाहर में बस वास्तव कुलचे छोले भी आया दुकान पे, तो बाबा जी की तो बाबी ने कुलचे छोले दे दिए मेरे को। बस यही है, अभी कर रहे हैं, पीछे देखो ड्राफ्टिंग चल रही पूरी मेरी, और बस बैठा हूँ अभी, काम ही कर रहा हूँ बैठ के। कोर्ट का कोर्ट खुल नहीं रहे, फिर भी काम तो करना पड़ता है छोटा मोटा, जो भी है ड्राफ्टिंग वगैरह वो जो करनी पड़ती है आपकी फाइलिंग वाइलिंग की रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा मैटर लगा है 14 तारीख को, 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर लगा है मैटर। और बाकी आज लगा था, आज हाईकोर्ट में लगा था, आज जज साहब बैठे नहीं तो डेट मिल गई उसमें। ठीक है जी, बस चल रहा है ऐसे जीवन जीवन करके। आज बारिश दिल्ली बहुत तेज हुई है भाई, सुबह 10 बजे से लेकर 12:30-1 बजे तक बारिश हो रही थी कंटिन्यू, सब बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब से बैठे थे, मैंने कहा चाय पी लूँ, दो बार मैं चाय पी चुका, एक बार फुल कप पी, एक बार आधी कप पी, दो बार चाय पी चुका। और बस अभी खाना की तैयारी कर रहा हूँ, मैं दलिया खाऊंगा क्योंकि थोड़ा मेरे को मन कर रहा है दलिया खाने का। दलिया खा के ना पेट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर ही खा रहा हूँ, क्योंकि जब जब मैं बाहर जाता हूँ बाहर के खा के आता हूँ, घर में खाता ही नहीं उस दिन। ये मिलता हूँ थोड़ी देर में, खाना दलिया वाले खा को भी हम जैसे ड्राफ्टिंग चली रही है अपनी, ड्राफ्टिंग खत्म करेंगे, ड्राफ्टिंग करना जरूरी है। ड्राफ्टिंग करेंगे तो कोर्ट के अंदर जो है आपका पेंडेंसी हो जाएगी, पेंडेंसी करनी नहीं है, कोर्ट का काम आपका चलता रहना चाहिए चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, क्योंकि आप एग्जाम आपको प्रोफेशन तो अपना फॉलो करना ही है, और जो आपका गाइडलाइंस हैं कोर्ट के थ्रू या कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो भी पूरी करनी जरूरी है। बस बाकी यही है, अभी बैठा हूँ और खाना खा के आपको फ्लेवर दोबारा मिलता हूँ। या टी शर्ट चेंज कर ली मैंने, घर में ये टी शर्ट पहनता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पहन रहा हूँ, 2-3 साल से पहन रहा हूँ, तो घिस 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 इतने साइज यूज़ कर करके इतनी सॉफ्ट हो गई है कि लगता है नहीं कि शरीर पर आपने कुछ पहन रहा। अरे अपना दलिया मस्त वाला, दही वाला दलिया, अभी खाते हैं इसको और मैं उड़ाते हैं। कुलचा मैंने 2 बाइट मार लिया ये रहा, लेकिन मैं कुलचा के बाद खाऊंगा, दलिया के बाद खाऊंगा, इसमें स्वाद कुलचे का मुंह में रह जाएगा, दलिया का भी रहेगा खैर थोड़ा बहुत, लेकिन कुलचे का ज़्यादा रहेगा। कुलचा का थोड़ा टेस्टी बना है, स्वादिष्ट बना है, थोड़ा इसमें मिर्ची है और जो पीली मिर्च जो इमली डालते हैं ना ये लोग कुलचे छोले में अंदर, मतलब छोले होते हैं मटर, मटर कुलचे नहीं छोले कुलचे होते हैं, मटर कुलचे होते हैं वैसे तो मटर होते हैं ये, उसमें जो मिर्ची वगैरह डालते हैं लोग, भाई मज़ा आता है, उसको स्वाद आ जाता है। मैं दलिया खाने के बाद वो खाऊंगा जिससे कि मेरे मुंह में उसका स्वाद रहे मटर कुलचे का। बस एडिटिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ एडिटिंग, अभी कपड़े वपड़े चेंज करके आ गया मैं और दलिया खाता हूँ। दलिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, देखो भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मैं तो क्वांटिटी दलिया की, और कुलचा खाने 2 बाइट मार लिए। बस एडिटिंग कर रहा हूँ अभी मैं, बार बार एडिटिंग कुलचा की दिमाग खाने के, ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ अभी मैं, ड्राफ्टिंग बार बार एक्टिंग निकल जाती दिमाग से। बस क्या करें, यही चल रहा है जीवन, कोर्ट की बीच से हो जाती है सुबह वर्चुअल हियरिंग, फिर बैठे रहते हैं उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे को मिलने आगे तो मिल लेते हैं मतलब क्लाइंट वगैरह, बाकी बैठे रहते हैं ऐसे टाइम पर होता रहता पूरे दिन भर का, वाला बात नहीं आ रहा, वो क्रक्स नहीं आ रही काम करने में जो आती है ना, वाली बात नहीं आ रही। जब तक कोर्ट में खुलेंगे ना, कोर्ट में फिजिकल एंट्रेंस नहीं होगी पूरी तरह से, मज़ा नहीं आएगा जब तक, जब तक कोर्ट में फिजिकल हियरिंग स्टार्ट नहीं होगी तो वो वाला बात आ जाएगा, कि हम लोग ज़्यादातर टाइम हम लोग कोर्ट में रहते हैं उस दिन उस टाइम। बस यही है, उसमें फिर मन में मिला रहता है, फिर ना एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट जाने में काफ़ी टाइम निकल भी जाता है, और जो है आपको लगता भी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब घर बैठ के जब आप वीसी करते हो या ऑफिस बैठ के वीसी करते हो, क्योंकि मेरा ऑफिस तो घर में ही है, जब घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के वीसी करते हो ना, तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हर दिन क्या है आपको सीधे घर से, मेरा तो घर जैसे घर में ही ऑफिस है, बाकी लोग जैसे किसी में ऑफिस है तो वो लोग बाहर जाते हैं, तो उसमें भी उनका टाइम निकल जाता है, क्योंकि उधर तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, कि मेरा घर में ही तो मैं घर से ही करता हूँ सारा काम, तो वाली बात नहीं आ पा रही, मज़ा नहीं आ पा रहा जो फिजिकल हियरिंग में आता ना, फिजिकल में आप जाओ कोर्ट में, थोड़ा क्लाइंट से मिलो, 2-4 भाई लोगों से मिलो, दोस्त यारों से मिलो जो आपके वकील लोग हैं, जज साहब के सामने अपीयर हो, कोर्ट का कोर्ट में क्या है, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हो तो चाय पानी पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, थोड़ा खा लेते हो, तो ऐसे करके दिल लगा रहता, मज़ेदार लगा रहा दिल, दिन बढ़िया निकलता है। लेकिन अब क्या है, घर वगैरह आप परेशान हो जाओगे यार, दिन थोड़ी देर काम कर लोगे, थोड़ी देर ड्राफ्टिंग कर लोगे, जैसे मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग कितना कर लोगे आप, 2-3 घंटे 4 घंटे कर ले, जैसे मैं 4-5 घंटे का ड्राफ्टिंग कर लेता कंटिन्यू, अगर काम ज़्यादा होता तो उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा क्या करोगे आप। और जब आप घर में ही हो, कोर्ट में तो क्या है, जैसे दोस्त भाई से मिल लिए, जैसे मैं सौरभ भाई के पास जाता हूँ, पीयूष भाई भी जाता हूँ, यहाँ पर आपका साकेत त्रिभुवन सब भाई के पास जाता हूँ, सबके पास श्री कुंडू वगैरह में जाता हूँ, तो उनका क्या होता है, वहाँ पर अपना टाइम मिल जाता है, और बैठ बैठे कुछ बात भी आती है, और जब बात करते हैं तो उससे नॉलेज शेयर होती है, नॉलेज शेयर होती है तो आपके उससे नॉलेज इंक्रीज़ होती है। ठीक है जी, लेकिन घर में क्या करोगे आप,
सब लोगों से मेरी बात जैसे होती है मेरे वकील दोस्तों से, तो वो लोग कहते हैं यार वो बात नहीं आएगी जब तक फिजिकल हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई, तब तक वो बात नहीं आएगी। ये बात तभी आती है जब फिजिकल हियरिंग स्टार्ट होती है, कोर्ट में जाते हो, 50 लोगों से मिलते हो, हाई हेलो करते हो, कोर्ट में अपीयर होते हो, तो अच्छा लगता है, लगता है कि आप लिटिगेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो। और अब जब क्योंकि कोर्ट धीरे धीरे खुलने लगे, अभी भी कोर्ट ढंग से खुल नहीं रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी एक दिन फिजिकल हियरिंग है, एक दिन VC से है, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल है, एक दिन VC है, एक दिन फिजिकल हियरिंग है। तो बस ये डेट, और वो भी सारी बात ये डेट बाई डेट, डेट बाई डेट डिवाइड हो रखी है। अब आपको पहले तो ये देखना पड़ता है कि भाई कौन सी डेट पे मेरी VC लग रही है, फिजिकल हियरिंग लग रही है। अगर फिजिकल तो वहाँ जाओ, और VC लग रही है तो यहाँ आओ, घर पे करो या ऑफिस से करो अपनी जो भी है। जैसे मेरे ऑफिस घर पे ही है, बाकी लोगों के लिए जो ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस से करो। तो ये सब कन्फ्यूजन भी चल रही है, और वो भी बात भी नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए ना काम के अंदर, वो बात नहीं आ पा रही। फिर ये है कि क्लाइंटेज भी कम, क्लाइंटेज इनकम इन द सेंस मतलब यही है कि क्लाइंट वहाँ पर चला जाते हैं कोर्ट के अंदर, इनके कंपेरिजन टू ऑफिस में या आपके जो कहीं भी ऑफिस ले रखा है, जैसे मेरा घर पे है, लोगों का कहीं पे CP में है, जनपुर में, तो इनके कंपेरिजन टू वहाँ पे ऑफिस में कमाते और क्लाइंट्स भी कमाते हैं। जबकि सबको लग रहा है कोर्ट बंद है, कोर्ट बंद है तो लोग ज़्यादा डर भी नहीं रहे, ज़्यादा वो भी दिक्कत भी नहीं ले रहे, टेंशन नहीं ले रहे, ये सोच रहे कि भाई अब तो लीनेंसी, सबको लीनेंसी हो रही है भाई कि कोर्ट बंद है, बंद है, बंद है। जब तक कोर्ट की डायरेक्ट फिजिकल हियरिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, कोर्ट ढंग से खुल नहीं जाएंगे, और डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा पास नहीं करे जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा, तो काम ढंग से नहीं आ पाएगा और मज़ा नहीं आएगा काम में। बस ये मेरी आज की ऐसे थोड़ी देर राय थी, आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी मेरी फैमिली हो इस तरह के इस चक्कर में, बस यही है। दलिया ले खाता हूँ कि लेट रहा हूँ, 2:30 बजे होंगे कम से कम, अभी दलिए खा के फिर अपना काम स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि काम भी चल रहा है। ठीक है जी, चलो के अंदर के भाई कोर्ट खोले नहीं, और आज मैं कोर्ट का काम करने आ गया, पहले वाली करनी तो करने आ गया, अपन मैटर लगा था हमारा, मैं बता रहा था आपको 14 तारीख का मैटर लगा था, पिछली वीडियो में बता था मैं, तो साकेत कोट की पार्किंग हुई पूरी, बार बार मैं आपको ये पार्किंग दिखाता हूँ, मैं गाड़ी यहीं करके आता हूँ, नीचे बाहर खड़ी नहीं करता, कि बाहर में यार ये होता है फिर आप बाहर गाड़ी करते हो फिर आपको दूर तो जाना पड़ता, मैं इकट्ठे करता हूँ, मैं फाइल वेलिंग करूँगा इसका, फिर एक दो काम आ रहा है, हाई कोर्ट भी जाना है एक काम से, तो वो सब करके मैं फिर घर जाऊँगा, और एक बंदे से मिलना है कुछ काम मैटर के अंदर 2 बजे करीब, तो वहाँ पे फ़ोन करना पड़ेगा भाई को, और ये कोर्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो गई पूरी, ये सारी कोर्ट बिल्डिंग है, खैर भीड़ तो दिख रही है मेरे काफ़ी भाई, यहाँ पे सारा काम हो चुका है, अभी मैं जाऊँगा हाई कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट के बाद शायद से MCD ऑफिस जाऊँगा, बस यही है। बारिश बहुत हो रही है साकेत के यहाँ पर भी, काफ़ी बारिश हो रही है, सारा गीला गीला कचकच गंदा हो रहा है, बस अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं भाई, ये देखो 2:30 बज रहे हैं, ठीक है ना, ये देखो 2:30 बज रहे हैं, 2:30, तो बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से मैं, वहाँ यहाँ भी पूरा पार्क में भी पूरा पानी में भरा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, मेरे जूते भी थोड़े में रहा है गीले हो गए, बस यही है, अब निकल रहा हूँ यहाँ से मैं, और हाईकोर्ट के रास्ते जाके मिलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि कोर्ट वैसे भीड़ तो लग रही है, लेकिन ऊपर दिख नहीं रहे वकील लोग कहाँ है, कहाँ नहीं है भगवान जाने, तो चेंबर में बैठे हुए सब लोग, मेरा तो ऑफिस घर पे है, चक्कर में मेरे को पता नहीं, तो लोग क्या पता जहाँ चेंबर में बैठे हुए अपने, ऐसे कोर्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली बड़ा बिल्कुल कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये हो रहा है आजकल कि एक दिन फिजिकल चल रही है, एक दिन VC चल रही है, तो मोस्टली लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई जब तक पूरी फिजिकल नहीं होती तब तक हम VC कर लें, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न एंड बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ये चल रहा है, तो इस चक्कर में वकील लोग आ तो रहे हैं, लेकिन अब तो जिनका चेंबर है यहाँ पर वो तो यार ऑब्वियसली आएंगे साकेत कोर्ट, ऑब्वियसली बात है, और जिनका ऑफिस है वो तो ऑफिस में बैठेंगे, यही है बस, निकलते हैं यहाँ से, कॉफ़ी मैंने पी ली यहाँ पर, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी, और बस चल रहा है ऐसे थोड़ा बहुत, 2:30 बज रहे हैं, करते करते घर पहुँचने में से 5 बज जाएंगे मेरे को, काम कराते कराते सारे, चलो मिलता हूँ एक बार जाके हाईकोर्ट, निकल के अभी बाहर, और बाहर निकलते डालना पड़ रहा है पेट्रोल, डाल रहे हैं पेट्रोल, हम पीछे बैठी है सागर, ये बैठा मेरे को, अरे भाई साहब पेट्रोल डाल रहे हैं अभी, और पेट्रोल हो रहा है बहुत महंगा, यहाँ पे हो रहा है कम से कम 100 रुपये लीटर। मैं जा रहे हैं नारोजी नगर मम्मी की ख्वाहिश के ऊपर दोबारा से, तो चुनाव खाने है ना, मैं आपका ख्वाहिश है ना भाई, मेरी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश, मम्मी की ख्वाहिश है, कि मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी, मम्मी को गए थे हम 15 दिन पहले, गए थे ना डोसा खाने, गिनो किस तारे गए थे, 4 तारे गए थे, 20 किस तारे गए थे शायद, ध्यान नहीं है, कॉपी भी मिलियनेयर को, मिलियनेयर कॉपी करा करोड़पति का, तो ट्यून भी कॉपी कर ली, बहुत जाम हो रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, पहला मॉडल है 3.2 डीजल इंजन का, बहुत जाम हो रहा भाई, जाम ही जाम भाई,
क्या खाली क्यों है? खाली है चिकन नान सावरे बैठा हुआ बड़ा। ये सरदार जी के नान की दुकान है कुलचा किंग के नाम से, वो खा रहे अभी नान ले रहे हैं। दुकान है सामने पकौड़े वाला वहाँ पर, तो कुछ सामने दुकान है पा जाएगी आपके। 9:30 आ रहा हूँ, 9:30 नहीं, हाँ 9 बज रहा है अभी। खाना कटा भाई, मम्मी गई थी चाचा जी घर पे, क्योंकि हम लोग जब चाचा जी का गार्ड का ऑपरेशन हुआ ना तो हम लोग थोड़े थोड़े दिनों में जाती है, मतलब हम नहीं मम्मी भी जाती है थोड़े दिनों में। पिछले हफ्ते गई थी मम्मी, पिछले हफ्ते से 10 दिन पहले। तो बस अभी मम्मी और सागर वहीं गए थे, कब के गए हैं लोग 4:30-5 बजे गए हैं। उस टाइम मैं देख रहा था भूत पुलिस, भाई भूत पुलिस मस्त मूवी है हॉटस्टार पे। स्टार्ट में थोड़ी ऐसे लगे डिलेट, लेकिन एट द एंड में बिल्कुल जाकर बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा जो उसके अंदर जो हॉरर स्टोरी बनाई है ना उन्हें, बहुत अच्छा ना भाई भूत पुलिस के अंदर। आप देखना चाहते हो देखो हॉटस्टार पे आई है मूवी, रिलीज़ हुई है। सैफ अली खान है और वो अर्जुन कपूर है, यामी गौतम है, जैकलिन फर्नांडिस है, और काफ़ी अच्छी मूवी है तो देखो जाके भाई। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी मैं बता नहीं सकता क्योंकि बता नहीं चाहिए। एट द एंड आपको मूवी वहीं जाके देखनी चाहिए, जिससे कि उनकी स्टार रेटिंग बढ़े, और ऊपर से अगर वो जो काम कर रहे हैं तो उसका प्राइस भी उनको मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि उसके लिए आप हॉटस्टार पर जाकर उनकी मूवी देखो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि अच्छी मूवी इसलिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है जी, अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। 9 बजने के बाद मैं जाता हूँ, मैंने अभी खाना बनाया भाई, क्योंकि मम्मी गई थी। मम्मी पहले कह रही मैं 7 बजे आऊँगी, 5 बजे गई, फिर कह रहे 7 बजे आऊँगी, फिर 7:30 हो गए, 8 हो गए। मैंने कहा भाई 7:30-8 हो गए, तो 7:30 बजे मैंने फिर कढ़ी चावल बना दिया और खा भी लिया भाई पूरा, मस्त मज़ा आ गया, बहुत मस्त बने, बहुत मस्त। और बस अब बज रहे हैं 9, तो 9 बजे मैं जाता हूँ चाय जी के साथ, जाता हूँ और बोलता हूँ मम्मी आप तो आने वाले थे भाई, आप तो आए नहीं, आप तो बहुत देर से मुझे फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़े देर पहले पापा गया था, तो पापा ने मेरे को बुलाया था किसी फाइल देखने के लिए, कुछ कोर्ट की फाइल हमारे केस के रिलेटेड कुछ कर, मैं दुकान पर गया था। मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई थोड़ी देर में दुकान पर जा रहा हूँ मैं, तो तुम लोग आना मत, क्योंकि मैं आऊँगा तुम लोग मैं तुम्हें मिलूँगा नहीं, फिर तुम बार बार मेरे को फ़ोन करोगे, फिर बोलोगे भाई तू बिना बताया चला गया। तो मैंने इसलिए उसको सागर को पहले फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भाई तुम कितनी देर में आ रहे हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दुकान पे फाइल देखने, साथ साथ चाय बन गई थी तो मैं चाय भी लेके चला के बाबा जी हाथों आती, जिससे क्या कि शाम तो हो रही है, गणेश चतुर्थी है, दुकान में थोड़ी हमारी भीड़ होती है तो शूट शॉप पे, तो उस चक्कर में मैंने चाय भी साथ साथ ले लिया। मैंने कहा साथ साथ चाय लिया तो काम खत्म होगा, लड़के भी आए फ्री नहीं होंगे, और मैं दुकान पर जा रहा हूँ फाइल देखने। ठीक है जी, फिर गया तो उस टाइम मेरे को सागर बोल रहा है हम 15 मिनट में आ रहा है, मैं कहा 15 मिनट में आ रहा है भाई, तो 10 मिनट बाद फिर मैं आ गया, क्योंकि मैंने फाइल वाइल देखी, मैंने कहा ये फाइल तो मेरी है जो मैंने घर पे संभाल कर रखी हुई थी अपने केस के रिलेटेड की, तो वही आप उठा के लिया है, तो वही पापा जी मेरे को दिखा रहे हो। तो पापा जी कह रहे हैं हाँ बेटे लेकिन तूने देखी नहीं थी, मैंने कहा नहीं मैंने देख ली थी, बट द थिंग इज दैट किसी ने जो ऑरिजिनल पेपर है वो ऑरिजिनल पेपर यूज़ नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था कि जीरोक्स पेपर यूज़, जिससे कि मेरे ऑरिजिनल पेपर जो है वो ख़राब ना हो जाए या वेस्ट ना हो जाए या रॉस्ट ना हो जाए। ठीक है जी, तो उस चक्कर में फिर दुकान पर गया, फिर मैंने सारी फाइल जो पापा जी लेके गए थे मेरी फाइलें, मतलब मेरी फाइल, मतलब हमारे केस की जो अभी तक हमारी फैमिली के अंदर किसी भी केस लड़ा है उसके रिगार्डिंग पापा जी फाइल दुकान पे ले गए थे, एक बार कह रहे थे मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, मैंने गो थ्रू करने की जरूरत ही नहीं, कई केसेस तो उसमें से खत्म ही हो गए, तो हमें हमारा जो रिसेंटली केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग पापा जी लेके गए थे। ठीक है जी, बस उन्होंने सारी फाइल ले आया, तो मैं सर भाई सागर वगैरह आएंगे, भाई साहब सागर भाई साहब अभी तक नहीं आए, 9 बज रहे हैं, देखो पीछे दिख रहा होगा घड़ी में 9 बज रहे हैं। ठीक है जी, 9 बजे नहीं आए, अब मैं भाई उनको ठप्पा करूँगा, ठप्पा इन द सेंस बोलूँगा भाई तुम तो 7 बजे जा रहे थे, 7:30 बजे जा रहे थे, मैं तुम्हें फ़ोन करता और तुम अभी तक नहीं आए, तो ये भाई क्या तरीका है, या तो तुम झूठ बोल मत बोलो, है ना, उस टाइम तो तुम ऐसे दिखा रहे थे कि भाई मैं भी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, और भाई तुम्हारा 2 घंटे हो चुके हैं, 7:30 बजे 9 बज चुके और तुम अभी तक नहीं आए, तो क्या चक्कर है ये, झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे। तो मैं जाकर उनको ठप्पा करता हूँ, अभी मैं चाय जीकर निकलता हूँ यहाँ से, और फिर आपको वहीं जाके मिलते हैं एक बार। ठीक है, ओके, चाय जीकर ऊपर चलते हैं, क्या कर रहे हैं लोग, पंगे कर रहे हैं। अरे भालू इसका घर पसंद था, अरे भालू का मास्तालू मम्मी वगैरह का है मेरी। चलो भाई आगे घर में, अजय रे भाई नंदिका, अरे नंदिका दीदी, नंदिका दीदी तो बैठी है हमारी, बैठी नंदिका तुम क्या कर रहे हो, नंदिका तुम क्या कर रहे हो बता जल्दी, था शर्माती मुझसे बहुत ही, सागर से बहुत चिपकती है मेरे भाई से, वो ये क्यों चल गया भाई, यूट्यूब देख रही है बैठ के खेले सारे दिन, अंदर अंदर यहाँ वीडियो देख रही है,
क्या कर रहे तुम इसका दांत लेगा डॉगी। उसको डिस्टर्ब नहीं करते, अंदर चलते।